नमस्कार, एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। कांग्रेस के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, हर वक्त पार्टी की सोच से अलाइन रहते हैं, विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार। उनकी सियासी जमीन बिहार है। बिहार में कांग्रेस के उत्थान के लिए वो पुरजोर कोशिश में लगे हैं, लेकिन पार्टी की स्थिति खुद उनके ही राज्य में दयनीय है। जी हाँ, शकील अहमद, आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। शकील जी, बिहार की हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कैसे होगा पुनर्जन्म कांग्रेस का बिहार में? देखिए श्वेता जी, कभी कभी होता क्या है कि जो आपकी शक्ति है वही आपकी कमजोरी भी कभी कभी बन जाती है। अगर आप अपने उसूलों पर, आप अपने सिद्धांतों पर रहते हैं तो कभी कभी आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, उसका प्राइस पे करना पड़ता है। कांग्रेस सबों को साथ लेके चलने में विश्वास करती है, हर समाज के हर वर्ग को साथ रखना चाहती है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में 1990 के बाद से ही, बल्कि 1995 के बाद से आप कह सकती हैं कि अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग की पार्टियां बन गई। हम किसी एक को, हम केवल एक धर्म के लोगों को नहीं कह सकते हैं कि हम केवल आपकी पार्टी हैं। हम सभी धर्मों को कहते हैं कि हम आपकी पार्टी हैं और हम सबों को साथ लेके चलना चाहते हैं। हम किसी एक वर्ग को, नागरिक को, न पिछड़े को, न दलित को, न गैर दलित को, न आदिवासी को, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ आपकी बात करें। लेकिन समय समय पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जरूर करती है। नहीं, बिल्कुल अपीजमेंट की नहीं, वही सबको साथ लेके चलने की जो बात है, जिसको हमारे विरोधी अपीजमेंट कहते हैं। देखिए, ये देश सांप्रदायिक टकराव के कारण 14 अगस्त 1947 को टूट गया। कोई भी अगर जिसको ज़रा सा भी देश प्रेम है तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे समाजों की टकराहट हो और इस देश के एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो। इसलिए हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। लोग अलग अलग पार्टियों को लेके चलने की और साथ में समाजों को लेके चलने की बात करते हैं, जिससे कभी कभी लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लोगों का मोह भंग होगा कि किसी एक वर्ग, किसी एक संप्रदाय की पार्टी किसी का क्षणिक भला कर सकती है, समाज का ओवरऑल भला जो है वो ऐसी ही पार्टी कर सकती है जो सबों को साथ लेके चले, और उस दिन कांग्रेस में सभी के सभी लौट के आएंगे। राष्ट्रीय स्तर की बात ना करें, राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात लगभग सेम ही हैं, लेकिन अगर बिहार की बात करें जहाँ से आपका खुद का ताल्लुक है, तो अब चुनाव बहुत करीब है 2019 में। क्या स्ट्रैटेजी ड्रॉ कर रहे हैं कांग्रेस के उत्थान के लिए? देखिए, हमारे लगभग तीन पार्टी तो वहाँ ही हैं अभी अलायंस में। जहाँ हम अकेले हैं, आपने ये कहा, मैं सहमत नहीं हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर भी वही स्थिति है। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की स्थिति 2-3 साल पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन पिछले 6-7-8 महीने से एक चेंज आया है, एक बदलाव आया है राष्ट्रीय स्तर पर, कि जहाँ जहाँ हमारा और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है, पहले वहाँ वहाँ हम पीछे चलते थे। अब पिछले 6-7-8 महीनों से जो स्थिति है कि जहाँ जहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है वहाँ हमारी बढ़त बन रही है। गुजरात में भी हमने अपनी बढ़त बनाई, पहले से अच्छे हुए। मध्य प्रदेश में अभी 2 महीने के गैप पे 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, हम तीनों जीत गए। राजस्थान में जहाँ 25 की 25 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को थी, अभी बाई इलेक्शन हुए, हम 2 की 2 लोकसभा सीट जीत गए और तीसरी एमएलए की सीट जीत गए। अभी वहाँ नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, हम सभों में जीत गए बीजेपी हारी। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ जहाँ पिछले 6-7 महीने में जहाँ जहाँ भाजपा से हमारा टकराव हो रहा है देश भर में, तो हमको बढ़त मिल रही है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ ऐसे राज्य जिनमें बिहार भी हमारा राज्य भी है, हम उसमें पीछे हैं। तो जहाँ हम पीछे हैं वहाँ हम निश्चित रूप से, हम बिहार भारतीय जनता पार्टी को, बिहार के लोग हों, देश के लोग हों, हम भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लिए खतरा मानते हैं। इस देश की जो मानसिकता, जो टकराहट भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है समाज में, या किया है या उसको और बढ़ावा देना चाहती है, उसी
टकराहट के कारण हमारा देश टूटा है। कोई भी देशभक्त भारतीय नहीं चाहेगा कि हमारे देश को 14 अगस्त जैसी मनहूस तिथि का फिर सामना करना पड़े। इसलिए जहां हम भाजपा को खुद हराने में सक्षम हैं, टक्कर देने में सक्षम हैं, वहां हम खुद से करेंगे, और जहां हम नहीं हैं वहां स्टेट स्पेसिफिक अलायंस करके हर राज्य में, बिहार में जैसे राष्ट्रीय जनता दल से हमारा समझौता है, जैसे मांझी जी हम लोगों के इसमें आ गए, कांग्रेस उनके साथ है, और हमको लगता है कि जो नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी से देशभर में है वो बिहार की पार्टियों में भी है। ये तो आपकी प्लानिंग है कि आप 2019 में ऐसा करके दिखाएंगे कि आप चुनाव जीत कर दिखाएं और लोगों का मोह तब तक शायद भंग भी हो जाए, आप कह रहे हैं, लेकिन पार्टी की खुद की स्ट्रैटेजी, पार्टी अपने अंदर क्या बदलाव लाने की तैयारी कर रही है, कैसे करेंगे आप ये सब विद अ फेस लाइक राहुल गांधी, क्या ये संभव होगा? बिल्कुल संभव है, राहुल गांधी जी से ही संभव है, इसलिए कि स्वाभाविक रूप से पार्टी के अंदर जो चेंज है, देखिए एक राजनीतिक दल का काम क्या है, एक राजनीतिक दल का काम है कि अगर आप सत्ता में हैं तो ऐसी नीतियां बनाइए, ऐसे सिद्धांत बनाइए, ऐसे प्रोग्राम्स बनाइए जिससे उस क्षेत्र के रहने वालों, मैं बिहारी हूं और बिहार की बात हो रही है कि अगर बिहार में हमारा शासन है हमारी पार्टी का, तो ऐसे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनने चाहिए जिससे वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके, उनको सुविधाएं मिल सके, उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, उनको शिक्षा की सुविधा मिल सके, उनको यातायात की सुविधा मिल सके, उनको रोज़गार की सुविधा मिल सके, किसानों को खेती की सुविधा मिल सके, उनको उनके फसल का सही दाम मिल सके। ये काम करना होता है राजनीतिक दलों को अगर वो सत्ता में है, और राजनीतिक दल अगर सत्ता में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, और राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं है तो उनका काम ख़त्म नहीं होता है श्वेता जी। उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार या प्रशासन के लोग जिन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या अगर जानबूझकर उनको इग्नोर कर रहे हैं, या ऐसे काम कर रहे हैं जिससे जनता का अहित होगा, तो जनता को विश्वास में लेके सड़कों पे जो हमारी असेंबली के अंदर सीट्स है, काउंसिल के अंदर सीट्स है, उनको हमारे मेंबर्स को साथ लेके और सबसे मीडिया को साथ लेकर के उनको विश्वास में लेके लोगों को अवगत कराएं और सरकार पर ये प्रेशर बनाएं कि जो काम आप गलत कर रहे हैं वो ठीक कीजिए, जिस सेक्शन को आप इग्नोर कर रहे हैं, जिन अच्छे कामों को इग्नोर कर रहे हैं उनको लागू कीजिए। यही राजनीतिक दलों का काम है कि सत्ता में हैं तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम अच्छे बनाइए, और नहीं है सत्ता में तो आप जन आंदोलन करके सरकार को या प्रशासन को मजबूर कीजिए कि वो जनता की भलाई का काम करे। लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी वो चेहरा हैं जिनके दम पर चुनाव जीता जा सकता है? कांग्रेस में काफ़ी वरिष्ठ नेता लोग भी हैं जो चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। देखिए राहुल गांधी ही वो चेहरा है जिनके बलबूते पे चुनाव लड़ा जा सकता है। 2019 में जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप मुझको याद ज़रूर कीजिएगा, मैं इतना आग्रह करना चाहता हूँ। देखिए राहुल जी की खूबी क्या है, राजनीति में जो बेसिक्स होते हैं कि आपको लोग जाने तब आपके बारे में राय कायम करेंगे कि आप अच्छे हैं या नहीं हैं। राहुल गांधी जी को पूरा देश जानता है। एक बार नहीं, मेरी पूरी बात होने दीजिए। उसके बाद राहुल जी ने जो अपनी छवि बनाई है, राहुल जी ने मोदी जी के जो सोशल मीडिया पर लोग, पेड लोग जो उनका उनके बारे में लिखते हैं उसको छोड़ दीजिए, जो सच्चाई वो भी अब बंद हो गया, चूंकि मोदी जी की अपनी नर्वसनेस बढ़ रही है तो अब उनको डिफेंड करने का काम उनका सोशल मीडिया कर रहा है। पहले कुछ लोगों को रखे हुए थे मोदी जी के लोग और उनकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर, 200-400 लोगों को पेड, जो पैसा लेकर के और पेट तनख्वाह लेके काम ही करते थे कि राहुल गांधी जी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर दिन भर पोस्ट किया करते थे, उनकी रोज़ी रोटी वही थी। लेकिन अब वो भी बंद हो गया है, आप मार करेंगी सोशल मीडिया देखेंगी तो, इसलिए कि अब वो मोदी जी को डिफेंड करने पर लगे हुए हैं, इसलिए कि मोदी जी के ये हैं। तो राहुल जी के बारे में मैं कह रहा था कि एक तो आपको राजनीति में जाने तो देशभर के लोग जान गए, जिस दिन उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया उनका पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से, दूसरा कि किसी राज्य को, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश से एमपी होते हैं, अपने को उत्तर प्रदेश का कहते हैं, लेकिन किसी राज्य को इस देश के ये शंका नहीं है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो हमारे राज्य के साथ भेदभाव करेंगे, किसी
धर्म के लोगों को ये शंका नहीं है इस देश में कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो हमारे धर्म के साथ भेदभाव करेंगे। किसी जात किसी वर्ग को इस देश में ये शंका नहीं है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो हमारे धर्म या हमारे वर्ग या हमारे जात या हमारे गोत्र के साथ भेदभाव करेंगे। ये राजनीति की इतनी बड़ी खूबी है। और पढ़े लिखे आर्टिकुलेट आदमी है, आप जब उनसे बातें करेंगे तो जो वो आर्गुमेंट करते हैं आपको, आप लोग भी मीडिया के लोग भी प्रभावित होते हैं मीडिया से। सोशल मीडिया ने जो आपको प्रभावित किया है, नरेंद्र मोदी जी की पेड सोशल मीडिया ने, उससे मीडिया के लोग भी हमारे दिख भ्रमित हैं। राहुल गांधी से अगर आप इंटरैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने इंटेलिजेंट है और कितने आर्टिकुलेट है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि आने वाला जो चुनाव है वो कौरव और पांडव के बीच का युद्ध होने वाला है, तो क्या मतलब है? ये वो एसेंस की बात है कि सच्चाई एक बात सही है कि मोदी जी के झूठ से सारा देश एक तरह से त्रस्त है। और मोदी जी जो कह के आए थे एक काम नहीं किया। मैं झूठ इसलिए कह रहा हूँ, झूठ पार्लियामेंट्री नहीं है इसलिए अनपार्लियामेंट्री का नहीं है, लेकिन इतना अगर वादे किए थे उन्होंने, आप ये बताइए एक भी वादा। लेकिन फिर त्रिपुरा में ऐसा नहीं होता। नहीं, त्रिपुरा की वजह है, त्रिपुरा की वजह है ये कि त्रिपुरा में कम्युनिस्टों के खिलाफ एक जो बाकी लोग थे, 42% वोट अभी भी आया है जो सीपीए वाले हैं उनका 4% वोट गया, इसलिए वो सत्ता में थे। तो जो उनके पक्ष में लोग थे, जो उनके विरोध के लोग थे, आप कह सकते हैं 58%, वो चाहते थे बदलाव, वो चाहते थे बदलाव। और हमारी नेशनल पॉलिसीज़ की वजह कर हमारा सीपीएम से कभी कभी समझौता होता है, कभी बंगाल में हो गया, कभी नेशनल लेवल पे सरकार में वो हमारे साथ रहे। तो जो बीजेपी ने एक बात कही त्रिपुरा के लोगों को कि साहब हमारा कहीं समझौता नहीं होता है सीपीएम से, हम न त्रिपुरा में समझौता करते हैं और न हम दिल्ली में कभी इनसे समझौता करते हैं, त्रिपुरा में ये लड़ते हैं और दिल्ली में जाके साथ हो जाते हैं। तो जो 52% एंटी सीपीएम लोग थे वो सारे के सारे बीजेपी में मूव कर गए। ये एक टैक्टिकल वोटिंग थी जो सीपीएम को हराना चाहते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अलावा अभी वहीं नॉर्थ ईस्ट में ही मेघालय में चुनाव हुआ, हम सबसे बड़ी पार्टी के हैसियत से उभरे। इसलिए ये कहना जो जिसके साथ अलायंस करके नागालैंड में मोदी जी लड़े थे उसको कम वोटें आई, और इलेक्शन के बाद उन्होंने जिसके साथ अलायंस करके लड़ा था उसको छोड़ के जो विरोध में लड़ा था उसके साथ मिलकर सरकार बना ली, जैसे कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो जो नौकरी के वादे थे 2 करोड़ के, जो था पारदर्शिता का, रफाइल में 40,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी की देख रेख में हुआ है, मोदी जी के प्रोटेक्शन में हुआ है, मोदी जी के द्वारा हुआ है, ये सारे लोग जानते हैं। हम ONGC से डीजल इंजन के लिए अपने रेलवे के लिए तेल लिया करते थे, आज किससे लिया जा रहा है? और जो पेट्रोल पंप बंद थे उस कंपनी के वो सारे के सारे देश भर में खुल गए, कहाँ किसका पैसा है? नोटबंदी में क्या 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 नोटबंदी की कहानी क्या है? आज 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 अभी मैंने ट्वीट किया है कि जो 8 नवंबर 2016 को जितना नोट सर्कुलेशन में था उससे ज़्यादा नोट आज की तारीख में सर्कुलेशन में है। मोदी जी कैशलेस की बात करते थे। नोटबंदी क्या था? नोटबंदी इस देश का आज़ादी के बाद, ठीक कहा राज ठाकरे जी से, हम लोग बहुत बात पर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने ठीक कहा कि 1947 के बाद ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, हमको आपको सबको प्रेशराइज कर दिया, ज़बरदस्ती हम लोगों से कैश बैंक में जमा करवा लिया नरेंद्र मोदी जी ने, 2,40,000 करोड़ रुपया उन्होंने माफ़ करवा दिया जो बड़े पूंजीपति हैं, और ये नीरव मोदी उसको नया लोन भी उसी पैसे से दिया गया जो हमारा आपका पैसा। ये नोटबंदी एक बड़ा घोटाला था, इसलिए हम लोगों ने कहा और राहुल जी ने कहा कि ये पांडव और कौरवों के बीच की लड़ाई है। 2G का आ गया, इन लोगों ने बहुत हंगामा किया था 2G के में, कोर्ट ने बड़ी कर दिया। कोयला की बात करते थे कि उसमें कोल स्कैम हुआ है, आज तक एक राजनीतिक आदमी को जो कांग्रेस के आप कह सकते हैं कि मशहूर लोग थे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए एक झूठ का सहारा लेके इन्होंने अपनी दुकानदारी की थी। तो स्वाभाविक रूप से पांडवों और कौरवों को जो एसेंस है, पांडवों और कौरवों का क्या है, हमारा जो धार्मिक इतिहास है उस मामले में, कि सच्चाई
सच पर रहने वाले, सही रास्ते पे चलने वाले और गलत रास्ते पे चलने वाले की लड़ाई है, इसी को राहुल गांधी जी ने कहा है। हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए टॉपिक से, हम बिहार में बात करें, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है? देखिए, ये जब कोई भी पार्टी, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, 1990 तक हमने किसी से समझौता नहीं किया, गर्चे 1998 में हमारा समझौता पहली बार लालू जी से हुआ, 96 में कांग्रेस के लगभग हर कैंडिडेट की स्थिति खराब हो गई 96 के पार्लियामेंट के चुनाव में। कोई भी पार्टी जब अपने को पूरा मजबूत समझती है कि हम अपने बलबूते पे जीत जाएंगे, तो किसी से अलायंस नहीं करती है। जैसे हम आज की बात राजस्थान की कहें, गुजरात की कहें, मध्य प्रदेश की कहें, उसमें छत्तीसगढ़ की कहें, हरियाणा की कहें, उत्तराखंड की कहें, जहाँ जहाँ हमारा बीजेपी का, हिमाचल की कहें, जहाँ जहाँ हमारा बीजेपी का, हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ हम मजबूत नहीं हैं, तो वहाँ जब नेगोशिएटिंग टेबल पर जो पार्टियाँ हैं वो बैठती हैं बात करने के लिए, तो सभी पार्टियों को मालूम रहता है कि किस इलाके में, किस कंस्टिट्यूएंसी में किसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसको वीक पॉइंट है, कहाँ कौन। लेकिन कहीं ना कहीं डेंट होगा, लालू जी का जो मुद्दा उठा उसके बाद कहीं ना कहीं डेंट होगा। नहीं, लालू जी का मुद्दा क्या उठा, जो घोटाले में वो स्वाभाविक रूप से, ये तो 2015 में जब नीतीश जी ने समझौता करके हम लोगों से चुनाव लड़ा पार्लियामेंट हारने के बाद, तो ये सारे केसेस उसके पहले के हैं, कोर्ट की सजा भी हो चुकी थी पहले, ये 6 केसेस हैं सारे, जिसमें एक में तो लालू जी और जगन्नाथ जी को पहले ही सजा हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो स्वाभाविक रूप से जनता जानती है कि आज की तारीख में प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के पास, ये केसेस पहले के हैं, लेकिन प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज जो हैं आज की, उन्होंने जो साक्ष्य बना के रखा है, उसकी वजह से लोग कहते हैं कि बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करते हैं। वैसे न्यायालय के फैसलों पर किसी को प्रतिकूल टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, मगर जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, जैसे दिल्ली की घटना में फिर ये हो रहा हूँ, अभी 9 बच्चियों ने JNU के एक प्रोफेसर के बारे में कंप्लेन किया है कि उनके साथ गलत हरकत उन्होंने करने की कोशिश की, पुलिस 9 बच्चियों ने किया है, और पुरानी स्टूडेंट्स ने भी कहा है कि हम लोगों के साथ भी प्रयास किया था लेकिन हम लोग चुपचाप रह के निकल गए यूनिवर्सिटी। उनको दिल्ली पुलिस ने, मोदी जी की पुलिस ने अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के 5 से आधे घंटे के अंदर अंदर उनको बेल दे के छोड़ दिया। तो इसीलिए होता है कि जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो लोग ये कर रहे हैं। लेकिन लालू जी का जहाँ तक मामला है, ये तो पहले ही 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले ही हुआ था और कोई फर्क नहीं पड़ा, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार, हमारी नीतीश जी की और लालू जी की सरकार आई, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उत्तर प्रदेश की अगर देखें हम लोग, तो जिस तरह से कोलिशन हुआ है उसके बाद, आपको क्या लगता है कि विरोधी पार्टियां अब मिलकर एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्योंकि देश के टूट का जब खतरा हो जाएगा, लूट और टूट, ये दोनों का, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने जो इस देश को लूटा है, और हम बार बार कहते हैं ये काम और किया है कि सारी योजनाओं का हमारी नकल किया है। अपने शासनकाल विरोध में, जब विपक्ष में थे, तो टोटल विरोध किया, और आज की तारीख में टोटल हमारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। तो आप कहिएगा कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम वो लागू कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बार बार कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ये नकल सब मेरी कर रहे हैं, इन्होंने आधार का खिलाफ किया, हमने आधार को एक लोगों के पहचान पत्र की हैसियत से, और लोगों को जो गरीब हैं हमारे, उनको डिलीवरी में कोई बीच में कमीशन नहीं खा जाए उसके लिए बना रहे थे, ये आधार को जासूसी का हथकंडा बना रहे हैं, ये FDI 49% हमारा विरोध करते थे, इन्होंने 100% डिटेल में FDI दे दिया, ये GST का हमारे विरोध करते थे 14 से 18% का, अब इन्होंने 40% 28 से 40% GST किसी पर टोटल जोड़ के हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी के समय में भी एक तरह की नोटबंदी हुई थी, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा, मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ था कि जिन जिन नोटों पे तारीख नहीं है, हाँ। और जो
2005 के पहले के नोट हैं, हम 2014 तक शासन में थे, उनको धीरे धीरे सर्कुलेशन से हटाया जाएगा और हटाया गया, लेकिन इस देश की जनता को कोई तकलीफ नहीं हुई। हमने ऐसे तरीके से किया, इन्होंने क्या किया, एक दिन में सारे लोगों को परेशान कर दिया, पूरा लोग हिंदुस्तान के लाइन में लग के खड़े हो गए, 125 से ज़्यादा लोगों की असमय मृत्यु हो गई, लोगों के शादियां टालनी पड़ी, लोगों को बच्चों को स्कूल की कॉलेज की फीस देने में गार्जियंस को परेशानी हुई, और उन सारे पैसों को जमा करके अपने पूंजीपति मित्रों को आपने हवाले कर दिया। तो ये लूट नहीं है तो और क्या है, तो लूट और देश की टूट का खतरा है, इसलिए 2019 में इस देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो nationalkhabar.com पर ये थे हमारे साथ शकील अहमद, अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।